the PMO. The video. टी शर्ट पे पढ़िए क्या लिखा है। थोड़ा ये बढ़ा सकते हैं इसको, दिख रहा है ना सर? ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो उनकी है वो, ये जो फटका इन्होंने बीजेपी का पहना हुआ है वो, ये कश्मीर में जब ये जाते हैं तो धन्यवाद देते हैं मोदी जी को कि मोदी जी आपने मुझे मौका दिया मिशन कश्मीर डेवलपमेंट में भागीदार बनने के लिए। ये मोदी जी की किताब कश्मीर में वो लोगों को बांट रहे हैं, वहां के रसूखदार लोगों को। और इस पे रोकिए जरा, गुजरात भाजपा के नेता माने जाते हैं। आगे बढ़ाइए, आगे। ये इनका कार्ड है, रोकिए इस पे। 34 मीनाबाग फ्लैट्स, पता लगा लीजिएगा किसके नाम पर है। ये गेस्ट अकोमोडेशन है, कौन है 34 मीनाबाग? मैं तो पता लगा दिया, अब थोड़ा आप भी मेहनत करिए। सारी मेहनत आखिर क्यों किरण पटेल जैसे लोगों को बचाने का प्रयास किया जाता है, आखिर क्यों किरण पटेल जैसे लोगों को जेल में नहीं डाला जाता है, ये बड़ा सवाल है। आखिर क्यों कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनका पीएमओ ऑफिस का बड़ा अधिकारी बताकर जेट प्लस सिक्योरिटी के साथ जो है अपना घर चलाता है और रईस बनकर यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करता है, किसी से डरता नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, जब किरण पटेल का जिक्र करते हैं तो ऐसे कई सारे चेहरे याद आते हैं जिस पर दाग लगते हैं। नीरव मोदी का चेहरा याद आता है, यहां पर देखा जाए विजय माल्या का चेहरा याद आता है, और आज के समय में कहीं ना कहीं गौतम अडानी का नाम सामने आता है कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री गुजरातियों को बचाने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि कैसे फर्जी पीएमओ ऑफिसर बने, और जो है लगातार यहां पर देखा जाए तो यहां पर सारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं किरण पटेल ले रहे थे। आखिर क्यों यहां पर अमित शाह को पता नहीं चल पाया, देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं चल पाया कि उनके ही साथ ऐसा हो रहा है। आपको बता दें कि अहमदाबाद जिले के नाज गांव से आकर अहमदाबाद शहर के ईसनपुर इलाके में बसे किरण पटेल ने कथित तौर पर बीजेपी नेताओं के परिवार से होने का दावा किया था। साल 2023 से किरण पटेल अहमदाबाद स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में लगातार आ रहे थे और खुद को भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पेश कर रहे थे। इस बीच वह सर्टिफिकेट दिखाते थे कि वह टोंगो की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी में सलाहकार हैं। उनका दावा था कि उसके पास पीएचडी और वह दिल्ली के मीनाबाग इलाके में रहते हैं, यानी कि ये दावा किया गया कि वो पीएचडी किए हुए हैं। आखिर लगातार देखा जाए तो पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, युवाओं को जो है नौकरी नहीं दी जाती है, तमाम कागजात फेल कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी पार्टी में पनप रहे किरण पटेल को लेकर बीजेपी पार्टी ने क्यों यहाँ पर जांच पड़ताल नहीं की, पूछताछ नहीं की? आखिर क्यों यहाँ पर बीजेपी पार्टी ऐसे लोगों को पनपाती है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी विपक्ष पार्टी के किसी भी नेता को छोड़ती नहीं है, चाहे वो किसी भी मामले में लिप्त हो। आज मनीष सिसोदिया जेल में है, तेजस्वी यादव जेल में है, तो यानी कि देख सकते हैं कि तमाम नेता आज जेल जाने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी पार्टी ने ईडी सीबीआई की रेड तो इन पर ही डलवाई है। हालांकि तेजस्वी यादव अभी जेल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि अगर ये मामला मसला जो है बढ़ चढ़कर आता है, सबूत मिलते हैं, तो तेजस्वी यादव भी जेल जा सकते हैं। आपको बता दें कि किरण पटेल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और श्रीनगर की सेंट्रल जेल में बंद है। किरण पटेल ने खुद प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में
पेश कर कश्मीर में वीआईपी सुविधा और जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त की। देश भर में हलचल मचा देने वाली इस घटना के बाद भले ही किरण पटेल राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में पहली बार आए हों, लेकिन इससे पहले भी किरण पटेल पर इस तरह के फर्जीवाड़े के आरोप लगते हैं। बेशक भी घटनाएं राज्य स्तर पर हुई है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आरोप पहले भी लगे हैं। किरण पटेल के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निशात पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 419, 420, 467 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि अंतिम फैसला क्या होगा, विपक्ष पार्टी कैसे निशाना साधेगी और क्या किरण पटेल को उम्र कैद की सजा होगी, क्योंकि सरकार को अपना सरकार का मसीहा बताने वाले, सरकार के एजेंसियों में काम करने वाले ऐसे किरण पटेल लोग पता नहीं कितने पल रहे होंगे, कितने ऐसे किरण पटेल होंगे। लेकिन देखना ये होगा कि बीजेपी सरकार का अंतिम फैसला क्या होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।